सब्सक्राइब कीजिए ऑटम ऑफ टेक को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ऑटम ऑफ टेक में। आज मैं आपको बताऊंगा नई फोर्ड इकोस्पोर्ट फेसलिफ्ट में क्या चेंजेस है। दोस्तों, एक्सटीरियर की अगर बात करें तो फ्रंट ग्रिल को चेंज किया गया है। पहले फोर्ड का लोगो थोड़ा सा बोनेट से नज़दीक आता था, अब इसको ग्रिल के सेंटर में फिट किया गया है। हेडलैम्प्स नए ऐड किए गए हैं, 22 xenon प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है जो DRLs के साथ आते हैं। रियर की अगर बात करें तो दूसरी कंट्रीज़ में स्पेयर व्हील रियर से हटा दिया गया है, अब इंडिया में ये रहेगा कि नहीं ये तो लॉन्चिंग के वक्त ही पता चलेगा। दोस्तों, व्हील नए ऐड किए गए हैं जो है 17 इंच के अलॉय व्हील्स। इंटीरियर में सबसे ज़्यादा चेंजेस है। पुरानी इकोस्पोर्ट का डैशबोर्ड बहुत ही आउटडेटेड फील होता था। फोर्ड ने ये बात समझ के इसमें नया डैशबोर्ड ऐड किया है जिसमें नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है 4.2 इंच MID टॉप वेरिएंट्स में और 2.3 MID लोअर वेरिएंट्स में अवेलेबल है। स्टेयरिंग व्हील नया है, नया इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 8 इंच या फिर 6.5 इंच का आ सकता है। 8 इंच वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम आपने फोर्ड एंडेवर में देखा है। सेफ्टी की बात करें तो फोर्ड इकोस्पोर्ट इंडिया में फर्स्ट है। इसमें ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, 6 एयरबैग्स तो आते ही है, पर शायद जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ में ड्राइवर नी एयरबैग आता है, इंडिया में भी ये फीचर ऐड किया जा सकता है। दोस्तों, इंजन में एक नया पेट्रोल इंजन ऐड किया है जो है 1.5 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 131 PS का पावर और 153 Nm का टॉर्क, और ये इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल है। बाकी दो सेम इंजन जो पुरानी इकोस्पोर्ट में आते हैं 1 लीटर इको बूस्ट या फिर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन। दोस्तों, आखिर में इसकी प्राइस क्या रहेगी और लॉन्च कब होगी? दोस्तों, इसकी प्राइस 8.3 to 11.5 lakhs तक रह सकती है मेरे हिसाब से, और लॉन्च होगी इसकी 25 अक्टूबर के बाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप सबको दिवाली की और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, और कार्स के स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, अननोन फैक्ट्स, न्यूज़ रिव्यूज़ और ट्यूटोरियल्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।